हेलो स्टूडेंट्स आज हम मैथ्स में चैप्टर फोटीन डाटा हैंडलिंग कंटिन्यू करेंगे तो so, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज की थी फोटीन पॉइंट टू क्या पढ़ा था हमने इंटरप्रेटिंग अ पिक्टोग्राफ तो पिक्टोग्राफ कैसे रीड करते हैं आज हम पढ़ेंगे बार ग्राफ के बारे में so, बार ग्राफ क्या होता है इन अ प्लेस ऑफ पिक्चर सिम्बल्स वी कैन यूज रेक्टेंगुलर बार्स और बॉक्स टू रिप्रजेंट डाटा सच अ पिक्टोग्राफ फेयर डाटा इज रिप्रेजेंटिंग यूजिंग रेक्टेंगुलर बार बार्स इज नोन एज अ ग्राफ जब पिक्चर सिंबल्स की जगह हम क्या यूज करते हैं रेक्टेंगुलर बार्स और बॉक्सेस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको क्या कहते हैं हम बाग्राफ ये बार ग्राफ दिया हुआ है आपको यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर बार्स बनाए हुए हैं यहाँ पे कोई हमें पिक्चर नहीं दी हुई तो इस बाग्राफ इसको क्या कहते हैं बायोग्राफ सो लेट इज नाउ रिप्रजेंट डाटा गिवन इन द एग्ज़ाम्पल वन इन द फॉर्म ऑफ अ बाग्राफ सो एग्ज़ाम्पल देखते हैं दिस बाग्राफ शोज डाटा रिलेटेड टू द रेन फॉल इसमें क्या बताया गया हमें रेनफॉल बताई गई है इन सेंटीमीटर्स इस साइड हमें ये जो दी है ये क्या है रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स इन डिफरेंट सिटीज डूरिंग द सर्टिन मंथ्स अलग अलग सिटी में और यहाँ पर क्या दी हुई है? हैं सारी सिटीज़ दी हुई हैं सिटी ए सिटी बी सिटी सी सिटी डी एंड ई सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द अबव बायोग्राफ अब इस बायोग्राफ से हम क्वेश्चन इसके आंसर्स फाइंड करेंगे हाउ मैनी सेंटीमीटर्स ऑफ रेन फॉल इन सिटीज़ ए बी सी डी एंड ई अब इन सिटीज़ के अंदर कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है सिटी ए में अब ए में जो जो रेक्टेंगुलर बार है इसको देखेंगे ये कहाँ तक है ये है वन फोर्टी इसमें यहाँ पे लाइन डली हुई है इसके आगे सो किसके आगे तक है ये वन फोर्टी सेंटीमीटर्स सो ए में सिटी ए में कितनी हुई है रेनफॉल वन फोर्टी सो इससे हमें पता लग जाएगा कितनी हुई है बी में बी में कितनी है यहाँ पे हंड्रेड सी में सी में कितनी है ये यहाँ इसकी इक्वल है एट्टी देन डी में डी में हुई है फोर्टी सेंटीमीटर एंड ई में ट्वेंटी सेंटीमीटर्स सो ठीक है ये इससे हमें ये जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं इस इससे हमें मैच करना है कि कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हुई ठीक है नेक्स्ट है हाउ मच मोर रेनफॉल फेल इन सिटी बी दैन सिटी डी अब सिटी बी में कितनी रेनफॉल ज़्यादा हुई है सिटी डी से बी में कितनी हुई थी हंड्रेड हंड्रेड सेंटीमीटर एंड डी में कितनी हुई है फोर्टी सेंटीमीटर्स तो हंड्रेड माइनस फोर्टी इज यहाँ पे करेंगे एक्सेस रेनफॉल इन सिटी बी हंड्रेड सेंटीमीटर माइनस फोर्टी सेंटीमीटर इज़ सिक्सटी सेंटीमीटर तो सिक्सटी सेंटीमीटर रेनफॉल ज़्यादा हुई है सिटी बी में नाउ हाउ मच लेस रेनफॉल फेल इन सिटी ई देन सिटी ए सिटी ई में कितनी कम हुई है रेनफॉल सिटी ए से ई e में तो खाली कितनी थी ट्वेंटी सेंटीमीटर एंड ए में वन फोर्टी सेंटीमीटर तो डेफिसिट रेनफॉल इन सिटी इज़ वन फोर्टी सेंटीमीटर माइनस ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेंटीमीटर रेनफॉल कम हुई है ठीक है ये तो एग्जाम्पल था आपका इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं बायोग्राफ का दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग बायोग्राफ विच शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ आ स्कूल सो स्टूडेंट्स इसमें बताए हुए हैं अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट सो so, एक स्कूल में अलग अलग जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा नेम्स नहीं आएगा ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है यहाँ पे करेक्ट करेंगे आप बुक में अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड यहाँ पे क्लासेस है क्लास वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच क्लास हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड हाउ मैनी सो मोस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है सबसे लंबा जो रेक्टेंगुलर बार है कौन सी क्लास का है थर्ड क्लास का ये कहाँ पे है टू हंड्रेड सो क्लास थर्ड में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं टू हंड्रेड स्टूडेंट्स एंड बाय हाउ मच तो क्लास थर्ड एट द टू हंड्रेड स्टूडेंट्स क्लास थर्ड हैज टू हंड्रेड स्टूडेंट विच इज़ द हाइस्ट तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू क्लासेज हैव द सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे मैच कर रहा है जो ये दो बार रेक्टेंगुलर बार्स हैं ये मैच कर रहे हैं ये कौन से हैं वन फिफ्टी क्लास सेकेंड एंड क्लास फोर्थ दे बोथ हैव वन फिफ्टी स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट है विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बाय हाउ मैनी सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं सबसे छोटा बार कौन सा है क्लास फिफ्थ इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं हंड्रेड स्टूडेंट्स सो क्लास फिफ्थ इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इट हैज हंड्रेड स्टूडेंट्स ओनली नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल क्लासेस सब क्लासेज में कितने हैं so, है, सब है? तो सबके टोटल कर देंगे हम क्लास वन टू थ्री फोर फाइव में जितने स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट में वन ट्वेंटी फाइव देन वन फिफ्टी टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड तो ये टोटल कितना आया सेवन ट्वेंटी फाइव सेवन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस यहाँ नीचे हमें क्या दिया हुआ है द बार्स इन अ बार चार्ट शुड हैव इक्वल विड्थ जो बार्स होते हैं बार चार्ट में यानी ये बार्स होते हैं इसकी विथ्स होनी इक्वल होनी चाहिए यानी अगर ये वन सेंटीमीटर है सारे वन सेंटीमीटर की विथ्स होनी चाहिए इसमें एंड देयर शुड बी एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव बार्स इन अ बार चार्ट और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए द बार्स शुड बी शेडिड और कलर्ड जो बार्स होने चाहिए वो शेडिड हो या कलर्ड होने चाहिए ठीक है ये आपने ध्यान रखनी है अब इसकी एक्सरसाइज है ट्वेल्व फोर्टीन पॉइंट थ्री फ़र्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग बायोग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फोर डिफरेंट स्कूल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी अब इसमें स्कूल्स दिए हुए हैं फोर स्कूल्स हैं स्कूल ए स्कूल बी स्कूल सी एंड डी तो इस स्कूल्स अलग अलग स्कूल्स के स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं यहाँ ये बाहर से रिप्रेजेंट किया है तो इसके आंसर्स बताने हैं तो फर्स्ट विच स्कूल हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आप देख के इसमें से बता सकते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में है स्कूल डी में हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन ऑल देयर इन ऑल आर देर इन द फोर क्लासेस फोर स्कूल्स सो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हमें चारों स्कूल्स के फर्स्ट स्कूल में कितने हैं थ्री हंड्रेड देन इसमें सिक्स हंड्रेड सी में फोर हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड तो चारों को ऐड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम लिख देंगे हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन स्कूल बी देन स्कूल ए स्कूल बी में कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं स्कूल ए से ए में कितने हैं थ्री हंड्रेड बी में कितने हैं सिक्स हंड्रेड तो सिक्स हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड इज थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स आर मोर इन स्कूल बी ठीक है इफ टू हंड्रेड स्टूडेंट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्कूल डी टू स्कूल ए टेल द रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी अगर 200 स्टूडेंट ट्रांसफ़र कर दिए हमने स्कूल डी से इसमें किए स्कूल ए में सो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचेंगे डी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं डी में 900 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से हमने कितने ट्रांसफर किया 200। तो 200 माइनस कर देंगे नाइन हंड्रेड माइनस टू तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे सेवन ठीक है सिंपल क्वेश्चन भी बहुत इजी रीड करना है इसको नेक्स्ट है दिस बार ग्राफ शोज हाउ मेनी पीपल ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी बाय अ बस ऑन डेज ऑफ अ सर्टेन वीक नंबर ऑफ़ पर्सनस दे रखे हैं और ये क्या है इन्होंने ट्रैवल किया, किया है सिटी ए से सिटी बी में बाय बस बस से ट्रैवल किया है सारे डेज पे मंडे ट्यूसडे वनजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इस सेवन डेज हैं और ये नंबर ऑफ पर्सन जिन्होंने ट्रैवल किया हुआ है so, सो इसके क्वेश्चन देखते हैं लुक एट द दाोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मैनी पीपल ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग द एंटायर वीक सो इसमें हमें क्या दे रखा है हमें पूछा है कि बस से ट्रैवल किया है जिन कि, कितने पर्सन्स ने कितने पीपल ने ड्यूरिंग द एंटायर वीक पूरे वीक में तो ये जो हमें दिया हुआ है डेटा ये ये हम सारे जो पर्सनस हैं ये सब ने बस से ट्रेवल किया है तो हम सबका टोटल कर देंगे जितने भी ये डेज हैं सेवन डेज इनका टोटल करेंगे मंडे को कितने पर्सनस थे एट्टी देन ट्यूसडे को फोर्टी ये सारे जितने पर्सनस हैं सिक्सटी फोर्टी एट्टी सेवेंटी एंड ट्वेंटी तो टोटल ऐड कर देंगे सबका तो हमारा पूरे एंटायर वीक के जितने पर्सन ने ट्रेवल किया वो हमें पता लग जाएगा ठीक है ऑन विच डे द बस वॉज़ मोस्ट क्राउडेड बस सबसे ज़्यादा दिन कौन से दिन क्राउडेड थी क्राउडेड यानी सबसे ज़्यादा दिन ट्रैवल कब किया है यहाँ पे हाईएस्ट देखनी है हमने कौन सा है एट्टी मंडे को एंड फ्राइडे दो दिन सबसे ज़्यादा क्राउडेड थी मंडे एंड फ्राइडे ठीक है नेक्स्ट है ऑन विच डे बस ऑपरेटर हैड द लीस्ट अर्निंग्स वाज व्हाट वर द टोटल अर्निंग्स इफ द फेयर पर पर्सन वाज एट रुपीस हमें पहले पूछा है कि सबसे लीस्ट अर्निंग कब थी यानी सबसे कम पर्सन किस दिन गए हैं हमें पहले वो बताना है एंड अगर टोटल अर्निंग्स कितनी थी उस दिन अगर एक परसेंट का जो फेयर था वो है एट रुपीज़ सो so, सबसे लीस्ट अर्निंग किस दिन हुई थी सबसे कम संडे को संडे को सबसे कम हुई थी कितने परसेंट से ट्वेंटी तो यहाँ पे आएगा ट्वेंटी परसेंट्स यानी संडे एंड हमें टोटल अर्निंग्स कैसे निकालनी है ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय एट तो टू एट्सा सिक्सटीन 16, वन सिक्सटी रुपीज़ टोटल अर्निंग हुई उस दिन संडे को ठीक है नेक्स्ट टाइम ऑन विच डे सेम नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवल इन द बस किस दिन सेम नंबर ऑफ़ पीपल ट्रेवल किए बस में इसमें बार में चेक करेंगे यहाँ पे एक मंडे एंड फ्राइडे दोनों दिन मंडे और फ्राइडे को एटी परसेंट ट्रैवल करे एटी परसेंट ने ट्रैवल किया बस से ठीक है तो आएगा मंडे एंड फ्राइडे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लुक एट द दाग्राफ रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन थ्री क्लासेस इन अ स्कूल सो ये बार में क्या दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स ये क्लासेज हैं थ्री अब इसमें शेड कर रखे हैं इसमें दो बार्स हैं और ये कलर्ड बार्स हैं ये जो लाइट कलर्ड हैं वो क्या है गर्ल्स और जो डार्क कलर्ड हैं वो क्या है बॉयज़ तो क्लास थर्ड क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ और ये नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इस साइड तो so हमें आंसर क्वेश्चन देखते हैं हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज़ आर देयर इन क्लास फोर्थ फोर्थ क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़ बताने हैं कितने हैं तो फोर्थ क्लास में सबसे पहले गर्ल्स देखें गर्ल्स कितनी हैं फोर्टी गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ कितने हैं हंड्रेड बॉयज़ सो ये हंड्रेड है एंड फोर्टी तो हंड्रेड एंड फोर्टी इज़ वन फोर्टी और टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास फोर इज़ वन फोर्टी ठीक है इसमें ऐसे रीड करना आपको आ गया सो विच क्लास हैज़ मोर गर्ल्स दैन बॉयज़ कौन सी क्लास में गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज से सो so, गर्ल्स का बार कौन सा ज़्यादा है इसमें सेम इक्वल है इसमें कम है एंड क्लास फिफ्थ में गर्ल्स ज़्यादा है तो क्लास फिफ्थ हैज़ मोर गर्ल्स देन बॉयज़ वट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन क्लास फिफ्थ तो डिफरेंस क्या रहेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ में तो so, गर्ल्स की काउंटिंग क्या है कितनी गर्ल्स है हंड्रेड एंड बॉयज़ कितने हैं सिक्सटी तो हंड्रेड माइनस सिक्सटी इज फोर्टी तो डिफरेंस क्या हो जाएगा फोर्टी का नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ऑल इन द थ्री क्लासेस टोटल स्टूडेंट्स बताने हमें तीनों क्लास में सो so, पहले तो थर्ड क्लास के टोटल स्टूडेंट्स करेंगे सिक्सटी ये सिक्सटी तो गर्ल्स हैं एंड सिक्सटी बॉयज़ तो टोटल कितने हो जाएंगे सिक्सटी प्लस सिक्सटी वन ट्वेंटी देन इसमें कितने हो जाएंगे फोर्टी गर्ल्स एंड हंड्रेड टोटल है वन फोर्टी और फिफ्थ में कितने हैं हंड्रेड गर्ल्स एंड सिक्सटी बॉयज़ तो इसमें कितने हो जाएंगे वन सिक्सटी तो ये तीनों का टोटल आ गया हमारे पास तो तीनों क्लासेस के टोटल स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमें आ जाएंगे तीनों क्लास में कितने हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स ठीक है ये सिंपल एक्सरसाइज है ये भी इजी एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट थ्री तो ये भी आप सारे आंसर इसके बुक में लिखेंगे ओके थैंक यू